नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज हम छोटे क्षेत्र के धानक्रय केंद्र सिकंदरपुर का जिलाधिकारी श्री राजीव रतन सिंह ने सोमवार को सुबह लगभग 12 बजे निरीक्षण किया एवं धान बेचने आए दर्जनों किसानों से बात कर धान बेचने के लिए आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने सचिव को निर्देशित किया कि समिति छोटी है, जितनी भी खदान खरीदी जाए वो 1 से 2 दिन के अंदर उठान कर लिया जाए, जिससे गोदाम भरने ना पाए एवं किसानों के धान खरीद का कार्य प्रभावित ना होने पाए। इस संबंध में सचिव को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उपजिलाधिकारी श्री राजीव रतन सिंह ने बताया कि बोरे पर्याप्त थे एवं किसानों ने बताया कि खरीद सही से की जा रही है, खरीद में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। साथ ही साथ किसानों की मांग तेजी से कराई जाए, जिससे कि धान खरीद सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने भी बताया कि किसी प्रकार की कोई समस्या धान खरीदने में नहीं हो रही है। यदि किसी प्रकार की समस्या किसानों को आती है तो उसके सच्ची जिम्मेदार सचिव होंगे। सर, आज एक धान खरीद केंद्र साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया, जहां पर 5-6 किसान मौजूद थे मौके पर। तो धान खरीद केंद्र पर देखा गया कि वहां पर कहीं कोई समस्या तो नहीं, किसानों को कोई समस्या नहीं आ रही है या धान समय से उठान हो रहा है। जो भी धान की लाट है मिलों से समय से FCI को जा रही नहीं जा रही है, तो साधन सहकारी समिति पर सब कुछ सही मिला, नियमानुसार मिला। ठीक से, धन्यवाद।